नया डिजाइन आपको नहीं क्रिएट करना है शुरुआत में, आगे चल करके जब आपको महारत हासिल होगी तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो तो आप खुद कर लोगे। जब भी आप सीखने वाली फेज में हो, लर्निंग फेज में, सबने साइकिल चलाना या बाइक चलाना तो सीखा ही होगा, वहां से सीखो कि सीखा कैसे जाता है। एक बार बाइक चलानी आपको आ गई ना, फिर तो आप खुद ही स्टंट कर लोगे, पहले सीख तो लो। तो अभी हमने लोगो बना लिया है, अब हम थोड़ा सा कवर वगैरह बना लेते हैं। तो पहले हम फेसबुक का कवर बना लेते हैं, आप चाहे तो पोस्ट भी बनाना पहले सीख लेते हैं, लेकिन हम पहले कवर बना लेते हैं। कैसे आपको कवर बनाना है, तो मान लीजिए आपको फेसबुक पेज का कवर बनाना है या जो भी कवर बनाना है, तो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा लिंक्डइन का कवर, यूट्यूब का चैनल आर्ट, जो भी टाइप करेंगे वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर फेसबुक कवर आ गया, इस पर हम क्लिक करेंगे, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स दिख गए है ना, आप इनको ले सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी ब्लैंक ले ले रहा हूँ, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको ये साइज दिखा देगा, ठीक है। लेकिन आपको एक्चुअली में ये साइज नहीं लेना है, आपको ये वाला साइज नहीं लेना है। आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट बने ना, ये वाली फोटो है, तो इस तरह की फोटोज आपको नहीं लेना है, क्योंकि इस फोटो में प्रॉब्लम क्या होगी कि ये मोबाइल में ना आधा कटेगा, आधा दिखेगा, आधा नहीं दिखेगा। मान लीजिए मोबाइल में हो सकता है इतना ही दिखे बीच का पार्ट, ठीक है, तो हो सकता है बाकी का कट जाए। तो हम थोड़ा सा कुछ अलग तरीके का डिजाइन लेंगे, जिसमें लाइक ये ले सकते हो आप, इसमें क्या होगा कि अगर कटेगा ना तो दोनों तरफ से आधा आधा कटेगा, तो गंदा नहीं लगेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम फेसबुक का कवर बनाएंगे। इसमें तो ज्यादातर डेस्कटॉप बेस पे बने हैं, तो यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं। जैसे ये कंटेंट है, ये कंटेंट नहीं चलेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि इस कंटेंट को अगर आप लैपटॉप में देखेंगे तब तो प्रॉपर दिखेगा, या हो सकता है लैपटॉप में भी ना दिखे, क्योंकि यहाँ पर आपका इतना जो 2 लाइन तक का तो कवर कर लेगा प्रोफाइल फोटो, जब भी आप देखेंगे तो इतना प्रोफाइल फोटो में कवर हो जाएगा, तो ये पार्ट आपका दिखेगा नहीं। साथ ही साथ ये कंटेंट मोबाइल में अगर देखेंगे तो ये पूरा कंटेंट कट ही जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको बनाना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो ये कंटेंट हमने बीच में लिखा है, क्यों, क्योंकि अगर आप मोबाइल में देखेंगे तो मोबाइल में ये आपका कट सकता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर और भी हम आपको बहुत सारे दिखा देते हैं। यहाँ पर ये एक पेज है प्री ट्यूटोरियल्स का, इस पर अगर हम दिखाएं आपको तो ये देख रहे हैं कंटेंट कैसे लिखा है। अब ये अगर आप मोबाइल पर देखेंगे ना, तो मोबाइल पर भी हमारा पूरा कंटेंट दिखेगा और लैपटॉप पर भी दिख रहा है। तो इसी तरीके का आपको कुछ डिजाइन लेना है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर कितना बेहतरीन सा बना है, और इस तरीके का आपको कवर बनाना है, ना कि आपको ऐसा बनाना है जिसमें कंटेंट, अभी प्री ट्यूटोरियल्स को अगर हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं ना, तो ये मोबाइल पर नहीं दिखता, क्योंकि मोबाइल का इंटरफेस अलग होता है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ इसी को मोबाइल फॉर्मेट में चेंज करके, इसमें तो आ रहा है, बट आप मोबाइल में देखना तो आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। तो ये कटे ना, इसलिए हमको इस बात को ध्यान रखना है। दूसरा क्या है कि ये फोटो, मतलब आपको यहाँ पर इस फोटो के पीछे कुछ कंटेंट ना है, मोबाइल में देखे तो आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। तो हमको मोबाइल फ्रेंडली भी बनाना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे और एक अच्छा सा बनाने की कोशिश करेंगे। एक डिजिटल मार्केटर, मतलब एज अ डिजिटल मार्केटर हम अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग, आप अपने निश का ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो बस आपको बता रहा हूँ। हम यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग सर्च करेंगे, और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ऑलरेडी देखो कितने प्यारे प्यारे से टेम्पलेट्स पड़े हैं, देखो कितना जबरदस्त टेम्पलेट है, ये देख रहे हो, बहुत ही जबरदस्त टेम्पलेट है, ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाला टेम्पलेट देखिए कितना जबरदस्त टेम्पलेट है, इसको आप यूज कर सकते हैं। तो आपको तो एक्चुअली में एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, एक्चुअली में आपको एफर्ट करने की तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें हजारों ऐसे टेम्पलेट्स पड़े हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ब्लैंक लेकर के चलते हैं, ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक लेकर के चलेंगे। और यहाँ पर ब्लैंक में हम क्या करेंगे, एकदम ब्लैंक लेकर के चलते। आपको अगर कुछ नहीं आता है, दूसरा तरीका देखो, जब भी आप सीखने वाली फेज में हो, लर्निंग फेज में, सबने साइकिल चलाना या बाइक चलाना तो सीखा ही होगा, वहां से सीखो कि सीखा कैसे जाता है। जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो दूसरे को कॉपी करिए, अपना नया मत करिए, दूसरे को कॉपी करिए। सीखने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरे को कॉपी करिए, और हमेशा आराम से करिए, जल्दीबाजी में मत करिए, धीरे धीरे। जब बाइक चलाना आप सीखोगे ना, तो धीरे चलाओ, सीख जाओगे, तेज चलाओगे लड़ जाओगे, समझ गए। तो
तो धीरे सीखना, ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में आपको रहना, एकदम आराम से सीखे। तो पहले हमें कॉपी करना, कॉपी करने का मतलब ये है कि आप ना इसी में बने बनाए टेम्पलेट्स ले लीजिए, पहला तरीका। दूसरा ये कि आप फेसबुक पर जाइए, बहुत सारे लोगों को, डिजिटल मार्केटिंग वाले लोगों को सर्च करिए, और उसमें से जिन लोगों का अच्छा कवर बना है वैसा ही कवर बनाने की कोशिश करिए। इसमें ये कॉपी करने का तरीका हो गया। तो मान लीजिए यहाँ पर ये बना है, अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉपी ही तो किया मैंने, कुछ नया तो नहीं किया। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये हटा करके मैंने एक अपना फोटो डाल दिया, ठीक है, ये कॉपी करने का तरीका है। यहाँ पे हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, हम बस कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। एक बार आप कॉपी करना सीखो, फिर कॉपी करना अगर आपको आ गया, धीरे धीरे आप पहले फैमिलियर तो हो इसके साथ में, धीरे धीरे आप इस पे काम करना सीख जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर फोटो तो हमारी स्क्वायर में है, यहाँ पर सर्कल लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। इसको हटाने के बाद एलिमेंट में आएंगे और यहाँ पर एक टाइप करेंगे हम फ्रेम। ये सब प्रैक्टिस से आएगा, हम आपको बताएंगे ही। यहाँ पर फ्रेम में आइएगा, तो यहाँ पर सर्कल फ्रेम आपको ले लेना है और इस फ्रेम को यहाँ पर डाल देना है। फ्रेम की खास बात क्या होती है कि इसमें आप किसी फोटो को डाल सकते हैं, जैसे ये फोटो है, इस फोटो को हमने फ्रेम में डालना है, तो ये थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक सर्कल में आ गई। ये फ्रेम की खास बात है, ठीक है, कि जब भी आप कोई फ्रेम लेगो, जैसे ये सारे फ्रेम्स हैं, तो इन फ्रेम्स में आप फोटो को डालेंगे तो ऑटोमेटिक इसी साइज में एडजस्ट हो जाएगी। ये फ्रेम है, ये फोटो है, बस आपको फोटो स्क्रॉल करके फ्रेम के ऊपर लानी है, जैसे ही ऊपर लाओगे ऑटोमेटिक इसी में आ जाएगी। समझ गए, बहुत आसान है, बस करके देखिएगा, हाथ एक बार सेट हो जाए उसके बाद आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना नाम चेंज करना है, यहाँ पर अपनी सर्विसेज चेंज कर लेनी है, लाइक आप यहाँ पर लिख सकते हो फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, है ना, या जो भी आपको रखना है। मान लो हमने यहाँ पर लिख लिया, फेसबुक को चेंज करके मेटा कर देते हैं, ठीक है, मेटा एड्स, ये कॉपी ही तो कर रहे हैं हम, ठीक है। अब मेटा एड्स में हम ये आइकन किसका लगाएंगे, फेसबुक का लगाएंगे ना, तो अगेन यहाँ पर आना है, आपको क्या टाइप करना है, फेसबुक, फेसबुक टाइप करिए, आपको ग्राफिक्स में सर्च करना है। तो यहाँ पर देखिए लोगो आ गए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फेसबुक का जो लोगो आपको पसंद है वो लोगो ले लीजिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि कलर कॉम्बिनेशन सबका सेम हो, कलर एक ही जैसा हो। तो यहाँ पर हम ये जो फॉर्मेट ले रहे हैं, सेम यही फॉर्मेट हम बाकी सबका लेंगे, ठीक है। तो कलर आपको ये वाला ही लेना है जो हमने बाकी सब में यूज किया है, ये वाला, ठीक है। अब गूगल एड्स में हम क्या करेंगे, गूगल का डाल देंगे लोगो, इसको बोलते हैं कॉपी करना, ठीक है। गूगल का लोगो लिया और गूगल का यहाँ पर कोई आइकन सर्च करते हैं, जैसे ये वाला आ गया। अब देखो इसका रिकमेंडेशन ऐसा है ना कैनवा का कि ऑटोमेटिक उसी से मिलते जुलते ही लोगो दिखाएगा जैसा आपने पहले यूज कर रखा है, ठीक है। तो ये लोगो आया, इस लोगो को हमने छोटा किया और छोटा करने के बाद इसमें फिट कर दिया, ठीक है। इसको आप जब स्क्रॉल करेंगे ना, तो यहाँ पर एक वो बन के आएगा प्लस का सिंबल, देख रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि ये सेंटर में है, एकदम एकदम एग्जैक्ट सेंटर में है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। फिर कलर में आएंगे, कलर अगेन वही सेम कर देंगे सबका, ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। गूगल एड्स हो गया, इसी तरीके से आप यहाँ पर वेबसाइट लिख सकते हैं, ठीक है। ये आइकन हटाया हमने और यहां पर डाल दिया वर्डप्रेस, ठीक है। यहां पर वर्डप्रेस का लोगो आएगा, या फिर अगर आपको यहां पर नहीं मिलता है तो आप गूगल कर सकते हैं। गूगल पे आइए और यहां पर टाइप करिए वर्डप्रेस, गूगल इमेजेस में आ जाइए, यहां पर इमेजेस सर्च कर लेंगे और यहां से हम आइकन उठा लेंगे। और कैसे करना है आप देखते जाओ बस। मान लीजिए ये आइकन हमें ले जाना है, तो ये आइकन हमारा है किसमें, स्क्वायर में है, ठीक है। तो पहले तो इस आइकन को अगर आपको ले जाना है, तो कैनवा में एक जबरदस्त फीचर है, आप यहीं पे इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी इमेज पर क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए और कॉपी इमेज पर क्लिक करिए, और यहाँ पे आइए और कंट्रोल वी क्लिक कर दीजिए, या कमांड वी अगर आपके पास मैक है। हमने यहाँ पर कंट्रोल वी क्लिक करा और आप देखिए लोगो आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। सिंपल आप इस लोगो को उठाइए और यहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए, कितना आसान है। हम कॉपी पेस्ट ही तो कर रहे हैं, क्या अपना दिमाग मैंने लगाया, और कॉपी पेस्ट करके आप एक अपनी यूनिक और जबरदस्त डिजाइन बना ले रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको सीखना है। और क्या करते हैं हम लोग, वेबसाइट के अलावा ऑटोमेशन, ठीक है।
यहाँ पर ऑटोमेशन का हमें लोगो लेना है, तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे AI, ठीक है। और AI से रिलेटेड यहाँ पर काफी सारे लोगोज हैं, बट हम चैट GPT ले लेते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा, या चैट GPT का अलग ले लेंगे, इसको रखे रहते हैं अभी। ऑटोमेशन यहाँ पर सर्च करते हैं और यहाँ पर काफी सारे लोगोज हैं, आप देख लीजिए आपको कौन सा पसंद है। मेरे हिसाब से ये ठीक रहेगा, क्योंकि हमको मिलता जुलता लोगो लेना है ना, सिंपल वाला, जैसे हमने बाकी सारे ऊपर लोगो फेसबुक और ये सारे ले रखे हैं, उसी से रिलेटेड ही लेना है, ठीक है। ये हमने ले लिया, और अगेन इसका कलर हम यही वाला कर देंगे, ठीक है। ऑटोमेशन के बाद सोशल मीडिया ऑलरेडी इसमें पड़ा हुआ है, और हम ले लेते हैं प्रोडक्ट क्रिएशन या फिर क्या चेंज कर दे, वर्डप्रेस का कलर तो ऑलरेडी वही है। और यहाँ पर हम एक डिजिटल सर्च करेंगे, और जो आप सर्च करेंगे उससे रिलेटेड आपको काफी सारे एलिमेंट मिलेंगे, जो आपको सही लगे वो आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पर डिजिटल में आप क्या ले सकते हैं, लाइक ये वाला ले सकते हैं, ठीक है, ये वाला हमने ले लिया, और इसको यहाँ पे उठाएंगे और यहाँ पर इस तरीके से इसको बोलते हैं कॉपी करना, मतलब आप अपना नया दिमाग बिल्कुल भी मत लगाइए, जो बना है वही को बस करेक्ट करिए अपने हिसाब से, ठीक है। ये कर लिया, अभी देखना इसको एकदम नया डिजाइन बना देंगे धीरे धीरे, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं चैट GPT, ठीक है, और उसके बाद में हम यहाँ पर डाल देते हैं व्हाट्सएप मार्केटिंग, ठीक है। यहाँ पर ये लोगो हटाएंगे और यहाँ पर डाल देंगे हम व्हाट्सएप, ये बिल्कुल रेडी टू यूज है, ठीक है। अब व्हाट्सएप में अगेन हम कौन सा लोगो ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना नेम चेंज कर लेना है, जो भी आपको लाइन लिखनी है वो लिख देना है, और इस तरीके से आपका एक बेहतरीन सा कवर आपके हिसाब से बनके तैयार हो गया। कुछ भी आपने नया नहीं किया, बस यही सीखने का तरीका है। पहले जब शुरू करिए ना, तो शुरुआत में आपको ऐसा ही करना है, जितने टेम्पलेट बने पड़े हैं या फिर कहीं से दूसरी ग्राफिक्स देखिए, उसके जैसी एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करिए, जरा सा भी बदलाव मत करिए अपने हिसाब से। जैसे यहाँ पर हम इसको और खूबसूरत बना सकते हैं, लेकिन आप मत करिए। जैसे यहाँ पर इसको खूबसूरत बनाने का तरीका क्या है कि हम कोई और ले लें, जैसे यहाँ पर हम ले सकते हैं 3D बार, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3D बार आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करा कि सपोज करो ये वाला ले लिया, ठीक है। इसको लेने के बाद हमने कुछ इस तरीके से करा और इसको ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, पोजीशन में जाएंगे और टू बैक कर देंगे, तो ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। अब मेटा एड्स का कलर हम चेंज करके कुछ और कर देंगे, लाइक हम यहाँ पर ब्लैक कर सकते हैं या ब्लू ही ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से इसको, अब हम सब में चेंज कर सकते हैं ना, ये सेम काम सब में कर सकते हैं। अगर ये काम सेम हम सब में करेंगे तो इस डिजाइन की क्वालिटी क्या हो गई, हो गई ना। इसी को बोलते हैं कॉपी पेस्ट करना, और कैसे आप अपने तरीके लगा करके इसको और बेहतर बना सकते हैं। नया डिजाइन आपको नहीं क्रिएट करना है शुरुआत में, आगे चल करके जब आपको महारत हासिल होगी तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, हो तो आप खुद कर लोगे। एक बार बाइक चलानी आपको आ गई ना, फिर तो आप खुद ही स्टंट कर लोगे। पहले सीख तो लो, पहले सीख लो, आराम से चलो और एकदम साथ साथ में चलो, धीरे धीरे चलो, उसके बाद तो आप खुद ही कर लोगे। बात समझ में आएगी, तो आपको बस इस तरीके से अपना कवर क्रिएट कर लेना है।